मैं तो एक गैलरी का काम कर रहा हूँ समुद्र में, एकल विद्यालय आप लोगों को जानकारी है, वन टीचर वन स्कूल के नाम से प्रसिद्ध है। हम लोग आज 1 लाख गांव में विद्या देते हैं और करीब 2 लाख गांव में हम लोग संस्कार केंद्र खोले हुए हैं जो बच्चों को संस्कारित करता है। सारा विषय आध्यात्मिक है, जल तो परमात्मा की देन है, जल और वायु इस तत्व है, इसकी शॉर्टेज कहाँ है? जिस साहब यूपी सिंह साहब ने कहा कोई शॉर्टेज नहीं है, कल क्लाइमेट चेंज होगा तो आपका पानी पानी हो जाएगा, रास्ता में बाढ़ें आ रही हैं। हमें कंजर्वेशन करना है, हमें अपने आप को आत्मसात करना है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आचार्य जी ने कहा समाधान हर समस्या का समाधान है। हम योद्धा हैं, हम अपने आप को जल योद्धा कहते हैं, तो योद्धा काम तो लड़ना है। मैं छोटी एग्जाम्पल देकर बात खत्म करूंगा। मैं 5 साल पहले अपने गांव में अपना भ्रमण कर रहा था, एकल गांव था, जल के बारे में दुनिया भर की बातें चर्चा भी होती है। आज प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है भी हमें क्या चाहिए। हमें आज के दिन गांव के अंदर या शहर के अंदर 55 लीटर पर हेक्टर पर मैन की बात हो रही है, कंजम्पशन की बात हो रही है, पर मैन के बारे में हम हैरान है। 55 लीटर हमारा गांव में कहां लगता है? दूसरी बात, वहां जब गांव में हम गए तो चर्चा चल रही थी तो एक दूर बैठा एक बहुत बुजुर्ग 80 साल का होगा, उसने हाथ खड़ा किया। हमने कहा पता नहीं क्या बात करना चाहता है, लोगों ने कहा नहीं नहीं वो पागल है, लेकिन मैंने बुलाया उनको, कहता पानी की कहां कमी है, एक खड्डा खोदिए, खड्डे में पानी दीजिए, बरसात का पानी, जब बात चर्चा चल रही है बरसात के पानी को कंजर्व कीजिए, इतनी बारिश को रोक नहीं पा रहे, कब नदियों में बाढ़ आ रही है, कभी सूखा पड़ रहा है। दैट इज द बेस्ट प्लान बट वी हैव टू डू एंड इसके लिए हम सब काम योद्धा करना है। उसी लिए हम चाहते हैं अपने आप को आत्मसात करते हुए जल को जो जीवन है उसको संरक्षित रहिए और आप सुखी रहें स्वस्थ रहें। धन्यवाद।